क्या है भाई साहब? बंदा अंदर आइए। देखो ऊपर कार के ऊपर है। ओ हेलो, क्या सेल्फी को गाइस बहुत मजा आ रहा है। ये देखो नहीं जाने दे रहे हैं गाइस, क्या मैं कहूँ यार। ये देखो इसको, शेर को। और यहाँ पे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हाँ ये देखो, देखो एक मंकी जो है अपने बच्चे को कितने प्यार से समेट के बैठा हुआ है। दिख जाए बंदर के कितना माँ के। अरे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। बापू के बंदर थे बापू के बंदर थे तीन, कभी नहीं खाते थे छीन। कैसे क्या मतलब ये बहुत बढ़िया से सर। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा यहाँ का मतलब बैराज? और गाइस अभी मैं चल रही हूँ कैलाशपुरी और आप सबको बहुत अच्छा अच्छा व्यू दूंगी, बहुत अच्छा अच्छा नजारा। मतलब वहाँ तो सिर्फ पानी पानी होता है, तो मैं आप सबको पानी सिखाऊंगी। कहाँ पे तो गाइस इस साइड में भी जो है पानी है और इस साइड में पानी है, आप लोग देख सकते हैं। और सूर्यदेव हमारे जो है अस्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो बहुत ही प्यारा नजारा यहाँ का गाइस, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और मतलब यहाँ का नजारा देखते हुए क्या है यार सांत्रो, यहाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मंकी मेरी बातें सुन रहा है। ये गाइस यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत हम लोग वो बातें सोच रहे हैं जो कभी लाइफ में हुआ होगा, वो सब यहाँ पे इतना शांति मिल रहा है कि इंसान सुकून पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सुन सकता है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ये नजारा देख के क्या सोच रहे हैं, कौन सी फीलिंग आ रही है। हाँ चलो मेरे साथ साथ चलो चलो चलो। तो गाइस यहाँ पे देखिए जैसे जैसे गाड़ी चल रही है मंकी वैसे वैसे दौड़ा। रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, मंकी मेरे साथ साथ कहाँ गया मंकी यार, उतर गया। ये देखो क्या नजारा। कल तलक तो जो हमारे सेल्फी फुल एंजॉय कर रही है मंकी के साथ गाइस। यहाँ मंकी आ गया गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। चलो चुप, हंसते हंसते इसको सुसु आ गई। लड़ रहा है क्या? कैसे लड़ रहा है मंकी गाइस, मजा आ गया। सेल्फी को सबसे ज्यादा मजा सेल्फी को आया। तो गाइस जिंदगी का मौज ही मतलब क्या बोलते उसको, जिंदगी का मजा ही मौज है। क्यों कर ली तुम डर सुसु, क्यों कर ली तुम भैया?
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज 11 आप सभी को 11 की ढेर शुभकामनाएं। यहाँ पे बना रहे फलहर बन रहा है गाइस, यहाँ पे बन रहा है लौकी का हलवा। एक मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ पे बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो पहले इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे, अच्छे से गलने देंगे। तो इस साइड में बन रहा है हलवा और अभी दूध भी गर्म हुआ है। और इस साइड में बन रहा है सूखे आलू, आलू और टमाटर अभी से भून रही हैं सस्सी। इस साइड में थोड़ा स्लो कर देते हैं गैस। और इधर बन रहा है लौकी का हलवा जो कि मैंने सिर्फ घी से छौंका है। इसको 2 चम्मच घी मैंने डाला है। इसको अच्छे से गलाएंगे, अभी 2 सीटी और इसमें लगाएंगे। उसके बाद में डालेंगे चीनी और दूध। अभी ये गला नहीं है गाइस, तो इसमें थोड़ा सा पहले घी डाल देते हैं फिर सीटी लगा देते हैं। तो गाइस इसमें डाल देते हैं घी, इसमें पड़ा हुआ 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने और डाल दिया। आप लगा देंगे सीटी। तो गाइस यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया, घी भी डाल दिया और कुछ इस टाइप का हो भी गया है। अब इसमें मतलब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दूध मिलाएंगे। दूध अलग से ही गाढ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा और इसको भूनना है। तो गाइस यहाँ पे सूखे आलू भी रेडी हो चुके हैं, ये अभी थोड़ा सा और भूनना है इसको, फिर मैं थाली आप सबको दिखाती हूँ गाइस। मैंने कितनी सारी चॉकलेट खाई है गाइस, बहुत लड़की चॉकलेट खाती है। ये सारा राह पर पड़ा हुआ है, खिलाने वाला बंदा ये है। इसके पास आईफोन नहीं आया है अभी, इसलिए टेंशन में बैठा है बच्चा। आ जाएगा, आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। इसके सब दोस्तों ने फोन ले लिया है और उसके पास नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सूखे आलू, नींबू, मिर्ची, दही, नमक और यहाँ पे है खीर। तो सबसे पहले भोग लगेगा श्री श्याम बाबा का, उसके बाद में हम खाएंगे। तो आप लोगों को प्रसाद की थाली गाइस कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं अभी। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद, भोग लग गया है। आप लोगों के लिए प्रसाद मैं